हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूशु ब्लॉग में। तो आया आज हम एक नए फ्रेश ब्लॉग के साथ। इस ब्लॉग में कोई मोटो ब्लॉगिंग नहीं है, कोई टूर नहीं है, कोई ट्रैवल का वीडियो नहीं है। ये एक टेक्निकल टाइप की वीडियो है, अपना एक छोटा सा टैलेंट और है जो कि एक्सेल का टैलेंट है। ये ब्लॉग पूरा का पूरा उसी टैलेंट के ऊपर है। तो आज जैसे कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, आज हम अपना एक नया ब्लॉग बना रहे हैं जिसमें कि हम सीखेंगे कि एक्सेल के अंदर वी लुकअप का यूज़ कैसे करते हैं। वी लुकअप एक काफ़ी पावरफुल टूल है एक्सेल में। तो ये छोटा सा डेटा है जो मैंने बनाया है, इस डेटा के ऊपर हम पूरा का पूरा वी लुकअप सीखेंगे। आप ये देख सकते हैं, इस वीडियो में हम सीखेंगे पहले तो नॉर्मल वी लुकअप, उसके बाद डबल कॉलम वी लुकअप, उसके बाद वी लुकअप इन डिफरेंट शीट, उसके बाद वी लुकअप इन डिफरेंट एक्सेल, उसके बाद मल्टी वी लुकअप, उसके बाद वी लुकअप इन बिग डेटा मोर देन 1 लाख रो, यानी कि 1 लाख से ऊपर का वो डेटा हुआ, जो बड़ा डेटा हुआ उस पर हम देखेंगे। तो ओवरऑल वी लुकअप से रिलेटेड सारे टॉपिक इसके अंदर कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। ये हमारा डेटा है, सपोज ये एक स्कूल है और स्कूल का ही पूरा डेटा है जिसमें कुछ स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट का नाम है विश्वनाथ, नीरज, रोनित, मनीष, रोहित, पंकज, सन्नी, ब्रजेश, दीपक, ऋषभ, लव। तो ये टोटल अप्रोक्सीमेट 11 स्टूडेंट हैं जिनका डेटा ये है सारा, किस क्लास में है, किस सेक्शन में है, एज क्या है, रिजल्ट क्या है उनका, पास हुए हैं, फेल हुए हैं या क्या हुआ है। तो ये सारी डिटेल हम जो पहला टॉपिक है नॉर्मल वी लुकअप इसमें कवर करेंगे। तो बेसिकली वी लुकअप होता क्या है, वी लुकअप होता क्या है कि कोई भी बड़ा डेटा हो, ये तो छोटा डेटा है, जैसे कि सपोज़ कोई भी बड़ा डेटा हो या नॉर्मल डेटा हो, और उस डेटा में से पर्टिकुलर हमें किसी एक आइटम या किसी पर्टिकुलर एक पर्सन या पर्टिकुलर कोई एक चीज़ की हमें डिटेल लेनी हो कि भाई हमें इस बड़े डेटा में इस बंदे की पूरी पूरी डिटेल चाहिए, तो एक तरीके से फ़िल्टर का काम करता है वी लुकअप। कोई भी फार्मूला एक्सेल के अंदर इजिकल टू या प्लस से स्टार्ट होता है, आप जो है इजिकल टू से ही स्टार्ट करिए। तो शुरू करते हैं इजिकल टू वी लुकअप। वी लुकअप करने के बाद, लिखने के बाद आप टैब दबा दीजिए, जो टैब का ऑप्शन होता है ये दबा दीजिए आप। तो वी लुकअप का फॉर्मूला कहता क्या है, लुकअप वैल्यू टेबल अरे कॉलम इंडेक्स नंबर और रेंज लुकअप। तो सबसे पहले हमें वी लुकअप के अंदर लुकअप वैल्यू लगानी है। लुकअप वैल्यू होती क्या है, लुकअप वैल्यू भी होती है जो हम मतलब जिस डेटा को हम फिल्टर देखना चाहते हैं, जैसे कि मैं अभी विश्वनाथ का डेटा देखना चाहता हूँ उस डेटा के अंदर। अब विश्वनाथ जो है मैं मैनुअली देखूंगा तो ये पूरा का पूरा डेटा विश्वनाथ कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो ये विश्वनाथ यहाँ पे आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ सीरियल वाइज जो इस सीरियल में उसके हिसाब से ये डेटा पूरा कवर हो जाए। तो सबसे पहले वी लुकअप इस पर हम क्लिक कर लेंगे, यानी कि ये हमारी लुकअप वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद हम लगा देंगे कॉमा, उसके बाद ये मांग रहा है टेबल अरे, यानी कि ये विश्वनाथ का डेटा जो है मैं किस टेबल में देखना चाहता हूँ, मैं इस टेबल में देखना चाहता हूँ। तो हम इस टेबल को पहले तो हम जो है जहाँ से नाम स्टार्ट हो रहा है, जैसे हेडिंग स्टार्ट हो रही है, उस पर क्लिक कर देंगे, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पर रख के शिफ्ट का बटन दबा के पहले तो आप करेंगे सीधा का सीधा राइट एरो, फिर करेंगे आप डाउन एरो, ऐसा करने पर पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसको एक बार, इसके बाद फिर इसको कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद कौन सा कॉलम पे ये डेटा है, मतलब हमें पहले क्या चाहिए, हमें क्लास चाहिए, तो क्लास कहाँ पे है, क्लास ये थी। तो कॉलम नंबर कितना हुआ, पहला कॉलम ये हो गया, दूसरा कॉलम ये हो गया, तो कॉलम नंबर हो गया 2। तो यहाँ हम लिख देंगे कॉलम नंबर 2 कॉमा। फिर उसके बाद वो बोल रहा है रेंज वी लुकअप, यानी कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो अगर आप फॉल्स करेंगे तो मिलता जुलता विश्वनाथ से रिलेटेड मिलता जुलता कोई भी होगा नाम या कुछ होगा तो उसका डेटा आ जाएगा। अगर आप एक्सेक्ट मैच चाहते हैं तो उसके लिए आपको 0 लगाना होगा। फिर आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर दबा देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं विश्वनाथ 12th क्लास, विश्वनाथ 12th क्लास, तो एग्जैक्ट ये आ रहा है। अब आपको सिंपल सा क्या करना है, कंट्रोल सी कॉपी और नीचे तक ले जा कर के इसको पेस्ट कर देना है। नीचे आपको कैसे ले जाना है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। नीचे आपको कंट्रोल कर कॉपी करके शिफ्ट करके डाउन एरो आपको क्लिक करना है, डाउन एरो करके ये आपको पेस्ट कर देना है। तो ये सारा वी लुकअप लग चुका है। अब इसमें वी लुकअप में प्रॉब्लम क्या है, कुछ एरर आ गई एन ए,
अब ये एरे एन ए की एरर क्यों आई है ये भी आप देख लो। कभी कभार क्या होता है कि जैसे कि हम ये टेक्स्ट कॉलम यूज़ कर रहे हैं ना, तो इस टेक्स्ट कॉलम में कभी कभार एग्जैक्ट मतलब वीलुकअप लग नहीं पाता है, क्योंकि टेक्स्ट होता है ये। नंबरिंग में फिर भी एक बार को लग जाता है, पर लेकिन टेक्स्ट में कभी कभार इशू हो जाता है। तो इस इशू को कम्प्लीट करने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे हमने ये फार्मूला लगाया था ना, इसको हम करेंगे F2। F2 करने से क्या होगा कि ये फार्मूला जो है ये खुल जाएगा। तो जो हमने ब्रैकेट जो हमने टेबल ये करी थी ना, टेबल मतलब सेलेक्ट करी थी, उसको पूरा सेलेक्ट करके आप एक बार दबा देंगे F4। F4 अगर आप दबा देंगे तो ये फिक्स हो जाएगा। तो इसको कॉपी कर लेंगे और नीचे तक पेस्ट करेंगे तो एग्जैक्ट आपका ये डेटा आ जाएगा। ये आप देखिए, इसे दूसरा तरीका भी है करने का। कुछ भी अगर आपको मतलब रिवर्स करना हो या कुछ भी गलती कर दी तो उसको बैक करना हो, तो उसके लिए आपको कंट्रोल जेड का यूज़ करना होगा। तो ये कंट्रोल जेड में सेम वही आ गया। अब इसको करने के लिए अगेन एक बार कंट्रोल जेड करो, उसके बाद हमें ये पूरी की पूरी वैल्यू फिक्स करनी है। तो हम ऐसा करेंगे, दूसरा तरीका ये है कि के जो स्टार्टिंग पॉइंट है उस पर डॉलर लगा देंगे, फिर उसके बाद अगेन डॉलर लगा देंगे बीच में, सेम इस पर ओ है, ओ के पीछे डॉलर, उसके बीच में डॉलर, एंटर मार देंगे। इसके बाद कॉपी करेंगे नीचे तक फार्मूला को पेस्ट कर देंगे तो ये पूरा फार्मूला हो जाएगा। तो ये तो हो गया जी हमारा नॉर्मल वीडियो का। अब ये हमारा टॉपिक कवर नॉर्मल वीडियो का। अब उसके बाद आता है डबल वीडियो का। डबल वीडियो का कैसे लगता है, तो चलिए देखते हैं कि डबल वीडियो का कैसे लगेगा। अब सपोज़ ये डेटा है, अब इस डेटा के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 सेक्शन है, मतलब 5 डेटा चाहिए हमें, 5 रो का डेटा चाहिए अप्रोक्सीमेट। तो यार इस इतना बड़ा डेटा मतलब एक एक करके हम वीडियो कब लगाएंगे, यहाँ पे एक एक करके वीडियो कब लगाएंगे, पहले यहाँ लगाए फिर यहाँ लगाए फिर यहाँ लगाए, तो उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, आपने जो ये फार्मूला लगाया था इसको करना है F2। F2 करने से क्या होगा कि हमारा वीडियो कब का जो फार्मूला जो हमने लगाया था वो ओपन हो जाएगा। फिर शिफ्ट दबा के लेफ्ट एरो करना है और ये अपना यहाँ तक ले जा करके इसको कॉपी कर लेना है, पूरा पूरा फॉर्मूला। कॉपी करने के बाद हमको क्या करना है, पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद सेम यही आ जाएगा 12 नंबर। तो अभी हम देखते हैं हमें क्या चाहिए, सेक्शन चाहिए। अब सेक्शन कितने नंबर पर है, कितने नंबर कॉलम पर है, सेक्शन है 1, 2, 3, यानी तीसरे नंबर कॉलम पर है। तो हम क्या करेंगे, सेक्शन पे जाएंगे, अगेन F2 करके फार्मूला ओपन करेंगे, उसके बाद इसको जो कॉलम है, अब अपना लुकअप वैल्यू तो सही आ गई, सेम यही रहेगी सी डेटा, हमने पहले से इसको फिक्स कर रखा है, ये हमारा टेबल है। अब सिंपल सा हमें क्या करना है, जो कॉलम नंबर है पहले क्लास का लगा हुआ था, हमें सेक्शन का चाहिए, सेक्शन का कॉलम तीसरे नंबर पर है, पहला दूसरा तीसरा, तो यानी कि हम तीसरा नंबर कर देंगे और एंटर कर देंगे तो डी सेक्शन आ जाएगा। अब देखिए वेरीफाई कर लेते हैं, विश्वनाथ का डी सेक्शन नंबर आ रहा है। तो अच्छा एक चीज़ और, अब सपोज़ मैं ये हटा देता हूँ अभी, अब सपोज़ यही फार्मूला, अब हम क्या कभी कभार क्या रहता है कि हमें आइडिया नहीं रहता है और हम इसी फार्मूला को कॉपी कर लेते हैं और आगे पेस्ट कर देते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो NA वैल्यू आए थे, यानी कि वैल्यू गलत आ गई। अगर ये वैल्यू गलत आई क्यों है ये हम देख लेते हैं पहले। होता क्या है, सपोज़ यहाँ पर फार्मूला लगा हुआ है, यहाँ पर जो लुकअप वैल्यू है वो C4 है, यानी कि सी, ये सी है कॉलम, इसका फोन नंबर, ये इसका रो है, इसे हम कॉलम बोलते हैं पूरा जो होता है और इसे हम रो बोलेंगे, ठीक है। तो सपोज़ ये सी कॉलम है, ये C4 जो स्टार्टिंग में दिखा रहा है, C4 दिखा रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे जाएंगे तो ये दिखा रहा है D4, यहाँ पे जाएंगे तो ये दिखा रहा है D4, तो ये गलत है क्योंकि हमें तो एग्जैक्ट ये चाहिए। अगर आप ऐसा चाहते हो कि यहाँ से कॉपी करके डायरेक्टली ऐसे पेस्ट हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, फॉर्मूले को यहाँ पर जा करके आपको C4 करना होगा। और अब हम बार बार C4 करेंगे तो ऐसा होता रहेगा बार बार, एक एक करके तो C4 नहीं कर सकते। तो सिंपल सा क्या करेंगे अभी हम, ठीक है, तो ये C4 जो होगा, C4 में जो सी होगा ना, यानी कि ये जो सी है, ये जो कॉलम है, इसे हम फिक्स कर लेंगे, इसे हम डॉलर में लगा के फिक्स कर लेंगे। अब इसे हम कितनी बार भी आगे कॉपी पेस्ट करते रहें तो ये फार्मूला हमारा ख़राब नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, अब अपने को क्या चाहिए, सेक्शन चाहिए। सेक्शन ये रहा, कितने नंबर कॉलम पे था, 1, 2, 3। तो फार्मूला ऊपर करेंगे F2 दबा के, सीधा 3 नंबर यहाँ पे कर देंगे और ये लग गया D। उसके बाद हमें एज चाहिए, एज का है, एज हमारी ये थी, एज कितने नंबर पे है, 1, 2, 3, 4 चौथे नंबर पर है। तो फोर्थ नंबर पर जाएंगे, इसको फोर्थ कर देंगे तो ये हो गया। अगेन अब हमें क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट कितने नंबर पर है, 1, 2, 3, 4
पाँच नंबर पर है। फिर रिज़ल्ट हमारा 5 नंबर पे आ गया। ठीक है, अब ग्रेड और वो तो ग्रेड और परसेंटेज यहाँ पे नहीं है, वो हम तीसरे टॉपिक में कवर करते हैं, इसको अभी डिलीट करते हैं। तो फिलहाल इसको कॉपी करा तीनों को एक साथ, कॉपी करने के लिए सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट दबा के एक बार राइट करो, अगेन राइट करो, फिर कॉपी करेंगे, फिर डाउन एरो नीचे तक क्योंकि हमें करना है, तो ये पेस्ट कर दिया। तो ये पूरा पूरा एग्जैक्ट डिटेल आ गया। सपोज़ किसी का चेक कर लेते हैं, सपोज़ हमारा दीपक भैया है, ये हमारा है 12th क्लास में पढ़ते हैं, तो दीपक भैया पहले यहाँ देखते, दीपक भैया ये हमारे हैं 12th क्लास में पढ़ते हैं, सेक्शन इनका ए है, एज इनकी 17 है, रिजल्ट इनका पास है। तो कहाँ है हमारे दीपक भैया, ये थे हमारे दीपक भैया, चेक कर सकते हैं, दीपक 12th क्लास ए सेक्शन 17 पास। तो ये वी लुकअप का सेकेंड टॉपिक अपना कवर होता है, यानी कि वी लुकअप डबल कॉलम, डबल वी लुकअप सॉरी। तो ये डबल कॉलम वी लुकअप ये अपना लग गया है। ठीक है, अब एक एक करके सपोज हमारा बड़ा डेटा है, ग्रेड भी है, परसेंटेज भी है, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज मार्क्स भी है, तो एक एक करके हम कॉपी पेस्ट करते जाएंगे इसको आगे तक कर, मतलब डेटा लेके जाएंगे। ये तो एक बेसिक डेटा है जो मैंने बनाया खुद ही, किसी किसी कंपनी में बड़ा डेटा भी होता है, लाख से ज़्यादा लोग होती है, तो वो भी अगले सेक्शन में, मतलब अभी इसी वीडियो में अगले सेक्शन में हम देखते हैं। तो नेक्स्ट आता है वी लुकअप इन डिफरेंट शीट, मतलब वी लुकअप जो है अभी तो क्या है कि इसी शीट में डेटा है, अब क्या हो सपोज़ कि दूसरी शीट में डेटा हो, सपोज़ इस शीट में डेटा है और हमें इस शीट में वी लुकअप लगाना है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो सिंपल सा लॉजिक है, जैसे कि अभी विश्वनाथ है, ये स्टूडेंट है, इनका डेटा ग्रेड, ग्रेड मैंने अगली शीट में लिया हुआ, शीट नंबर 2। ये पूरी की पूरी शीट जो ट्यूटोरियल मैं सिखा रहा हूँ आपको, पूरा डेटा मैं अभी आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसी लिंक पर आप ओपन करेंगे तो ये पूरी पूरी एक्सेल की शीट आप डाउनलोड भी कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो ये हो गया हमारा ग्रेड, अब इन्हीं सबका ग्रेड लिखा हुआ है और इस ग्रेड को हमें इस वाली बेस वाली शीट के अंदर लेके आना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वही अपना नॉर्मल पहले फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला स्टार्ट होता है इज इक्वल टू वी लुकअप, टैप दबा देंगे, वी लुकअप फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। सबसे पहले क्या था, लुकअप वैल्यू हमारी विश्वनाथ है, विश्वनाथ को स्टार्टिंग से पहले से फिक्स कर लेंगे, जिससे कि बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, यानी कि सी कॉलम हमें हमेशा फिक्स कर लेंगे। देन उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद क्या मांग रहा है, टेबल अरे का है हमारी, अब टेबल अरे ये नहीं है क्योंकि हमारा डेटा दूसरी शीट से चाहिए, ग्रेड चाहिए, ग्रेड यहाँ पर है नहीं, ग्रेड हमारी दूसरी शीट में, तो दूसरी शीट में जाएंगे हम। अगेन वही स्टार्टिंग का जो पॉइंट है उस पर क्लिक करेंगे, जो हेडिंग है, उसके बाद शिफ्ट दबाएंगे, उसके बाद राइट एरो जहाँ तक कि डेटा है, फिर उसके बाद डाउन एरो जहाँ तक ये डेटा कंप्लीट हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसको फिक्स कर देंगे, फिक्स करने के लिए हमें F4 दबाएंगे, एक बार में फिक्स करेंगे तो हो जाएगा, सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। देन उसके बाद कॉमा, अब क्या है, कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि कितने कॉलम नंबर पर है, आपको कॉलम नंबर चेक करते हैं, कॉलम नंबर हमेशा स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा, मतलब इस वाले जहाँ हेडिंग है वहाँ से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर पे कॉलम है, तो 6 नंबर अगेन फिर जी सॉरी कॉमा, उसके बाद ट्रू या फॉल्स, आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए या फिर मिलता जुलता कुछ मैच चाहिए, हमें बिल्कुल एग्जैक्ट मैच चाहिए। आप चाहें तो इसके लिए लिख भी सकते हैं प्रॉपर ट्रू TRUE, या आप लिख सकते हैं फॉल्स, ऐसे भी कर सकते हैं, और इसको डबल कोट भी लगा सकते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो, डबल कोट में टेक्स्ट लिखा जाता है फॉर्मूलों में, मतलब एक्सेल के अंदर, तो इतना कुछ लिखने से बढ़िया सिंपल सा अपना, अगर एग्जैक्ट मैच चाहिए तो 0, अगर मिलता जुलता मैच चाहिए तो कुछ भी 1 या 2 या 3 या कुछ भी आप लिख दो, तो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट मैच चाहिए तो हम 0 लिखेंगे, ब्रैकेट को हम क्लोज करेंगे और एंटर मार देंगे। तो ये हमारा आ गया विश्वनाथ का, इसको कॉपी करेंगे, उसके बाद शिफ्ट बटन दबाएंगे कीबोर्ड का, उसके बाद डाउन एरो, उसके बाद कंट्रोल पेस्ट, पहले हमने कंट्रोल सी करा था, यानी कॉपी करा था, पेस्ट करा है, चेक कर लेते हैं मैनुअली। सपोज ये मनीष है, इसका ग्रेड बी आ रहा है, सेकंड वाली शीट में चेक करते हैं मनीष का ग्रेड कितना है, मनीष जी हमारे ये रहे, इनका ग्रेड है बी, ये पास हो गए हैं, ये गलती से पास करवा दिया मैंने, तो बंदा पढ़ता लिखता भी नहीं है। चलो कोई नहीं, स्कूल में ना सही वैसे ही पास हो गया। चलो जी, ये हमारा शीट को हम एक बार सेव कर लेते हैं, तो हमारी ग्रेड भी आ गई है। अब इसके बाद अगला टॉपिक आता है परसेंटेज, परसेंटेज में क्या है जी, मतलब अपना ये डबल कॉलम वी लुकअप भी कंप्लीट हो गया था, वी लुकअप इन डिफरेंट शीट ये भी कवर अप हो गया, यानी कि दूसरी शीट से वी लुकअप कैसे लगेगा वो मैंने आपको बता दिया है। अब वी लुकअप इन डिफरेंट एक्सेल, ये तो एक पूरी एक एक्सेल वर्कबुक हो गई जिसमें दूसरी शीट है, तीसरी शीट है, चौथी शीट है, अब एक्सेल की शीट ही दूसरी हो,
तो उसमें कैसे वी लुकअप लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने दूसरी शीट एक बनाई है, ये हमारी होगी दूसरी शीट। ओपन हो जा भाई, ये ओपन हो गई। अब इसमें मैंने परसेंटेज लगाई है, जो लास्ट कॉलम है ना परसेंटेज का, तो वो मैंने इसमें लगाया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि वी लुकअप दूसरी शीट से कैसे होगा। तो अगेन वी लुकअप का फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला स्टार्ट होगा इज इक्वल टू से, इज इक्वल टू वी लुकअप, उसको थोड़ा यहाँ कर लेते हैं वी लुकअप। अब इतना भी लिखेंगे तो वी लुकअप फॉर्मूला नीचे आ जाएगा। तो सिंपल सा आपको क्या करना होगा, टैब का बटन दबाना होगा। अब अगेन लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, ये यहाँ से नीचे तक स्टार्ट होनी है। कई लोग क्या करते हैं कि वी लुकअप पे लुकअप वैल्यू करने के बाद पूरा नीचे तक सेलेक्ट कर लेते हैं, नीचे तक सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। सिंपल जो हमारा वी लुकअप है, जो हम लुकअप वैल्यू स्टार्ट करेंगे वो लेनी है, और नीचे जैसे ही फॉर्मूला डायरेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली नीचे की वैल्यू आना शुरू हो जाती है। तो ठीक है, वी लुकअप में होगी लुकअप वैल्यू, इसको हम फिक्स कर लेते हैं स्टार्टिंग के सॉरी ये क्या है अपना कॉलम है, कॉलम को हम फिक्स कर लेते हैं। तो उसके लिए एक डॉलर लगा देते हैं इसके आगे, डॉलर लगेगा शिफ्ट और नंबर थ्री बटन दबा के, सॉरी नंबर फोर बटन दबा के, फोर के ऊपर डॉलर होता है, तो शिफ्ट और नंबर फोर बटन दबा के डॉलर लग जाएगा। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे, उसके बाद हमें क्या चाहिए, टेबल। अब टेबल का डेटा इस शीट में भी नहीं है और इस वाली शीट में भी नहीं है, दूसरी एक्सेल वर्कबुक में जो कि हम ये टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो दूसरी एक्सेल वर्कबुक हमने ओपन कर ही ली थी, वही सेम प्रोसेस, पहले स्टार्टिंग के पॉइंट पे क्लिक करना है, उसके बाद शिफ्ट दबाना है, उसके बाद आगे करके राइट एरो, उसके बाद डाउन एरो, ये हो गया, और कॉमा। अब कॉलम कितने कॉलम नंबर पर है, कॉलम इंडेक्स नंबर, हमारा कॉलम फिर से गिनते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात नंबर कॉलम पर है। फिर अगेन कॉमा, फिर एग्जैक्ट मैच चाहिए हमें तो जीरो, फिर ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो ये आ गया। अब ये पॉइंट कुछ में आ रहा है, ये पॉइंट इसमें इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने परसेंटेज है, वहाँ परसेंटेज है, यहाँ भी परसेंटेज नहीं है। तो उसके लिए क्या करना होगा, सिंपल सा ये फॉर्मेटिंग जो है जनरल की जगह हमें नंबर की फॉर्मेटिंग करनी होगी, परसेंटेज फॉर्मेटिंग। जनरल में नंबर की फॉर्मेटिंग हो रही थी, नॉर्मल जनरल की हो रही थी, तो उसके हमने परसेंटेज की कराए। तो कॉपी करेंगे नीचे तक, अपना पेस्ट कर देंगे। अब कभी बार क्या होता है कि हमें हर बार जो है ये तो नहीं करेंगे कॉपी करके इसको नीचे तक पेस्ट करेंगे, काफ़ी टाइम लगता है बड़े डेटा में, तो आप परेशान हो जाएंगे। तो सिंपल सा एक शॉर्टकट बताता हूँ आपको, कंट्रोल सी कॉपी करा, जो राइट वाला मतलब कॉलम होता है या सॉरी लेफ्ट वाला कॉलम होता है या राइट वाला कॉलम होता है, तो उसी के सहारे हम नीचे आते हैं। जैसे कि कॉपी इसको करा, उसके बाद यहाँ पर है, फिर कंट्रोल और डाउन एरो क्लिक कर दोगे तो सबसे नीचे आ जाएगा, कंट्रोल अप कर दोगे तो सबसे ऊपर आ जाएगा। फिर बताता हूँ आपको, कॉपी ये कंट्रोल डाउन एरो एकदम नीचे आ जाएगा, एक शॉर्टकट है। उसके बाद फिर राइट में आ गए, फिर कंट्रोल शिफ्ट और अपर एरो एक बार नीचे, और ये हो गया पेस्ट। तो ये हो गया पूरा फार्मूला कंप्लीट। ठीक है, सेव कर लेते हैं फाइल को एक बार, ताकि जो भी हमने काम करा है वो सेव हो जाए। ठीक है जी, तो अपना ये टॉपिक भी कवर हो गया है, ये टॉपिक आता है अपना वी लुकअप इन डिफरेंट एक्सेल। अब मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप नया वी लुकअप स्टार्ट कर रहे हैं, इसको पहली बार शुरू कर रहे हैं, तो पहले जितना मैंने चार टॉपिक तक कराया है इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, देन उसके बाद मल्टी वी लुकअप और वी लुकअप इन बिग डेटा मोर देन 1 लाख रुपए आए, उसके बाद ही आप इन दोनों पे करें। मतलब ये चार की पहले प्रैक्टिस कर लें, देन उसके बाद इन दोनों पर आप जो है शुरुआत करें। तो अगला पॉइंट अपना मल्टी वी लुकअप, मल्टी वी लुकअप जी कैसे करेंगे, सॉरी मल्टी वी लुकअप का मैंने इसमें लगाया था, ये रहा ये बिग डेटा हो गया नंबर थ्री, ये रहा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अब सपोज वी लुकअप है, वी लुकअप में को जैसे कि पहले तो मेरे चार कॉलम थे, यहाँ के चार कॉलम, अब इसमें क्या है कि ये अब एक एक करके वी लुकअप कॉपी पेस्ट करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए अभी अपने को क्या करना है, मल्टी वी लुकअप लगाते हैं। मल्टी वी लुकअप एक तरीके से काफ़ी कम बंदों को पता है, कुछ कुछ को पता है, कुछ कुछ को नहीं पता है, पर मैं अपनी वीडियो में डाल देता हूँ ताकि सबको नॉलेज हो जाए। तो मल्टी वी लुकअप लगाना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। मल्टी वी लुकअप के लिए पहले तो एक वही ऑप्शन है जो मैंने आपको बताया, सिंपल सा फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं, वी लुकअप इज इक्वल टू से लुकअप वैल्यू अपनी ये आ गई, इसको एक बार फिक्स कर लेते हैं। फिक्स करने के लिए चाहे तो हम डॉलर आगे लगा दें इसके, चाहे तो हम F4 का इस्तेमाल कर लें, F4 हम दबाएंगे एक बार। अब एक बार F4 दबाएंगे तो दोनों के दोनों फिक्स हो गए, वो हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ B को B वाला फिक्स चाहिए। तो ये
ये करेंगे तो हमारा ये रो फिक्स हो रही है, हमें कॉलम फिक्स चाहिए। एक बार वो दबाएंगे F4 तो ये हो गया हमारा B फिक्स, कॉमा अपना डेटा टेबल जो है पूरी पूरी टेबल आ गई। इसको भी एक बार फिक्स कर लेंगे F4 करके, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि ये कितना है 2 नंबर, अभी 2 नंबर पर है ना क्लास, तो क्लास पे आ गए 2 नंबर में, कॉमा और ये हो गया 0। अब सेम ही कॉपी पेस्ट करेंगे अब हम, फिर उसके बाद उसका कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करेंगे 3 4 ऐसे करके, फिर पूरा का पूरा नीचे कॉपी डेटा पेस्ट कर लेंगे, तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो अभी हम क्या करते हैं, नई शुरू से शुरुआत करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें जो है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि जैसे कि ये 1 है, ये 2 है 3 है 4 है, ये तो आपको पता ही है कॉलम इंडेक्स, ठीक है ना। जैसे कि ये 1 है कॉलम, उसके बाद 2 कॉलम है 3 कॉलम है 4 कॉलम है, तो हम कॉलम इंडेक्स नंबर जो होते हैं ना उसको हम पहले ऊपर लिख लेंगे। 2 नंबर, ये 3 नंबर है, सॉरी ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर है, ऐसे इसको हम ऊपर करके लिख लेंगे। अब आगे तक लिखने के लिए डायरेक्ट कर लेते हैं, ऐसे करके शिफ्ट दबा के इसको आगे डायरेक्ट कर देते हैं। तो टोटल अपने पास अभी कितने कॉलम है, सॉरी ये 11 कॉलम है, ये दिख रहे हैं ना 11 कॉलम है, यहाँ पर भी 11 कॉलम आ गए। अब मल्टी वी लुकअप स्टार्ट कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले वी लुकअप स्टार्ट करेंगे नॉर्मली इक्वल टू से, वी लुकअप लिखेंगे, फिर हम वी लुकअप, और वी लुकअप में क्या बताया था मैंने आपको, वी लुकअप का लुकअप वैल्यू में F4 दबाएंगे, क्योंकि हमें बी को फिक्स करना है, ये भी नहीं हुआ ये भी नहीं हुआ, अब हो गया कॉमा, पूरा का पूरा टेबल लेंगे जो कि ये है, ये करके ये पूरी टेबल आ गई, इसको फिक्स करेंगे। देन उसके बाद अब कॉलम इंडेक्स नंबर जो है ना वो हमने पहले ही यहाँ पे बना दिया है, यहाँ लिख दिया है, तो हमें सिर्फ इसको लेना है। तो ये कॉलम इंडेक्स नंबर, अब क्या है ध्यान से आप देखिएगा, कॉलम इंडेक्स नंबर अगर मैं यूँ करूँगा, ये अलग आ रहा है, ये अलग आ रहा है, ये अलग आ रहा है, ये अलग आ रहा है। अब आप ध्यान से ही देखेंगे C16 को देखिए ध्यान से, कि हर बार जो है जो अल्फ़ाबेट है वो चेंज हो रहा है, यानी कि सी के बाद डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया। तो यानी कि जो 16 नंबर है, यानी कि एक तरीके से जो रो है वो फिक्स है, बस हमें उसी को फिक्स करना है। तो हम बीच में एक बार डॉलर लगा देंगे, या तो ये बीच में डॉलर लगा देंगे, या सिंपल सा F4 दबा देंगे। F4 दबाएंगे तो एक बार, दो बार, दूसरी बार में बीच में डॉलर आ गया, ठीक है, कॉमा, एग्जैक्ट मैच चाहिए तो उसके लिए 0, एंटर। अब आप इस फॉर्मूले को कहीं भी कैसे भी पेस्ट कर दो, पूरा का पूरा एग्जैक्ट ऐसे ही होगा, मतलब बार बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ रहा, पूरा का पूरा डेटा एग्जैक्ट आ गया। मैच कर लेते हैं एक बार, मैच करने की जगह एक बार एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, सपोज़ कंट्रोल सेट कर लेता हूँ एक बार मैं, ये फॉर्मूला है, सपोज़ मैं यहाँ नहीं करूँ, यहाँ कर लूँ या यहाँ कर लूँ या कहीं पर भी कर लूँ, जिसका भी डेटा होगा एग्जैक्ट आएगा। ये चीज़ आपको काफ़ी कम जो है बताएंगे यूट्यूब पे, या फिर आप एजुकेशन या फिर मतलब ट्यूशन लेते हैं या फिर कोचिंग लेते हैं इसकी, तो आपको काफ़ी कम लोग बताएंगे। देख रहे हैं आप, कहीं पर भी करेंगे तो एग्जैक्ट आएगा, जैसे कि एग्जैक्ट आ गया। अब सपोज हमें पूरा ही करना है तो ये हो गया, लो जी ये पूरा हो गया, ठीक है ना। अब इसको एक बार मैच कर लेते हैं, सपोज ब्रजेश है 12th क्लास में है, डी है सेक्शन 18 और फेल है, ये तो फेल ही रहेगा, हमेशा पढ़ता लिखता तो था नहीं है। तो अपना ये हो गया ब्रजेश 12th क्लास, डी 16 एज है और फेल, एकदम एग्जैक्ट। देख रहे हो टोटल इसका 184 है, टोटल ब्रजेश का कितना था, टोटल ब्रजेश का 184 था। तो ये हो गया अपना मल्टी वी लुकअप एक तरीके से, तो जी ये हो गया मल्टी वी लुकअप। अब अपना फाइनल टॉपिक, लास्ट टॉपिक आता है वी लुकअप इन बिग डेटा मोर देन 1 लाख रो, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, हमने 2 शीट बनाई रखी है, बिग डेटा वर्किंग, बिग डेटा बेस, ये तो हमारा हो गया बेस, ठीक है, यानी कि इसमें से हम वी लुकअप लगाएंगे, ये हमारा टेबल हो गई, और ये हो गया हमारा डेटा का वर्किंग। अब ये डेटा है कितना है उसका, अगर हम नीचे 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 ऐसे करते जाएंगे सिंपल सा, तो हमें लग जाएगा भाई साहब बहुत टाइम। तो इसका शॉर्टकट मैंने अभी आपको बताया भी था, कंट्रोल और डाउन एरो, ये देखिए टोटल है 109999, यानी कि 109999 रो है इसके अंदर, ठीक है। ये हमारी रो होती है, ये हमारी रो हो गई, ये जो है ये हमारी रो हो गई, कॉलम जो हो गए हमारे वो हमारी ये कॉलम हो गए। तो टोटल 109999 की तो इसकी रो है, और जो कॉलम है 1 2 3 4 5,
1, 2, 3, 4, 5 ये ना ये कॉलम हो गए, ये हमारे कॉलम हो गया, ये हमारे कॉलम हो गए, ठीक है ना। अच्छा एक छोटा सा शॉर्टकट और बताता हूँ आपको, सपोज हमें अगर पूरी की पूरी रो सेलेक्ट करनी है तो शिफ्ट दबा के स्पेस दबाएंगे तो पूरी की पूरी आपकी रो सेलेक्ट हो जाएगी। अब सपोज हमें पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है तो उसके लिए कंट्रोल दबा के स्पेस दबाएंगे तो पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये बड़ा डेटा है, इसके अंदर हम वीडियो को हम लगा के देखते हैं कैसे लगेगा। अच्छा ये अब सोच रहा हूँ डेटा है क्या मेरा, इसके अलावा भी एक काम है जो कि बुक्स का काम है। तो बेसिकली ये बुक्स के ISBN नंबर होते हैं जो कि 13 डिजिट के होते हैं। ये किसी भी बुक्स का ISBN नंबर और उसका नाम है, टाइटल का मतलब बुक्स का नाम है। सपोज़ ये बुक्स है मेरी वेबसाइट जो है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार जल्दी से। इस वेबसाइट के ऊपर मैं आपको रिव्यू डिटेल रिव्यू वीडियो बनाऊँगा, पर फिलहाल अभी यही करते हैं। वेबसाइट है मेरी टुगेदर बुक डिस्ट्रीब्यूटर, मेरा फर्म का नेम है। गूगल पर अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगी, टुगेदर बुक्स डिस्ट्रीब्यूटर। नेट थोड़ा मेरा स्लो चल रहा है तो मे बी थोड़ा टाइम लग रहा है इसको ओपन होने में। तो ये मेरी वेबसाइट है टुगेदर बुक डिस्ट्रीब्यूटर, आप इस पर क्लिक करेंगे, चाहे तो इस पर क्लिक कर लीजिए, चाहे तो आप जो गूगल का जो है मतलब इंफॉर्मेशन वाला आप उस पर क्लिक कर लीजिए। टोटल ये मेरी वेबसाइट टोटल ओपन हो गई है, ये आप देख सकते हैं। वेलकम टुगेदर बुक डिस्ट्रीब्यूटर, मेडिकल बुक्स पे 70% ऑफ, उसके बाद जो है चिल्ड्रन बुक्स, बेस्ट बॉक्स सेट, उसके बाद ये मेरी टॉप 6 कैटेगरी हो गई, न्यू अराइवल टाइटल हो गए, बेस्ट सेलिंग बुक्स हो गई, उसके अलावा डील ऑफ द वीक हो गई, कितने कितने मतलब कौन कौन सी डील में अभी चल रही हैं। इसके अलावा जो है मेरा वेबसाइट, मेरा इंट्रोडक्शन हो गया वेबसाइट का, ये मेरा छोटा सा लोगो हो गया, प्यारा सा लोगो, बेनिफिट ऑफ शॉपिंग विद हस, ऑल टाइप्स ऑफ बुक्स अवेलेबल, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया, व्हाट इंडियाज़ पॉलिसी, फ्री सरप्राइज गिफ्ट ऑन एवरी परचेज, 24/7 कस्टमर सपोर्ट, 14 डेज की जो है रिप्लेसमेंट वारंटी है। पूरी की पूरी वेबसाइट जो मैंने खुद ही बनाई है ये, जी हाँ ये पूरी वेबसाइट मैंने खुद ही बनाई है। इस वेबसाइट के ऊपर ही मैंने मतलब काफ़ी कम कॉस्ट में ये पूरी वेबसाइट बनाई है, तो उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊँगा अभी, तो वो चीज़ हम बाद में देखेंगे। पूरा लिंक हो गया या सब कुछ ये करने के बाद ये पूरी वेबसाइट मैंने खुद ही बनाई है। बेस्ट ऑफर एंड डिस्काउंट फ्रॉम TBD, फ्री शिपिंग, 50 रुपीज़ ऑफ, प्राइस गिफ्ट, डील ऑफ द वीक, टॉप 4 कैटेगरीज, ये सारी के सारी डिटेल आप देख सकते हैं। तो वेबसाइट पे भी बाद में जाते हैं, पहले जो मेन टॉपिक है वो कवर करते हैं। हमारा टॉपिक था VLOOKUP। तो अगर अब हम बड़े डेटा पे काम करते हैं तो टोटल 109,999 रो हैं उस पर हम काम कर रहे हैं। तो वही फार्मूला स्टार्ट होता है, इजिकल टू VLOOKUP, टैप दबा देंगे, उसके बाद ये हमारा ये अब क्या है, हमारा ये है जिसका हम डिटेल ले रहे हैं, यानी कि ये हमारा लुकअप वैल्यू हो गई और डेटा हमारा अगली शीट पर है। तो सेम मैंने आपको बताया है कि सबसे मतलब सही रहता है कि अगर आप उसको फिक्स कर लें जो हमारा कॉलम होता है उसको, एक मिनट, ये सॉरी कॉलम नहीं, हमारा ये रो होती है। तो इसको हम F4 दबाएंगे, एक बार दो बार F4 दबाएंगे बीच में आ जाएगा, तीसरी बार F4 दबाएंगे तो स्टार्टिंग में आ जाएगा कोमा। अब हमें डेटा चाहिए, टेबल अरे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आप ऐसे इसको सिलेक्ट करोगे, फिर आगे ऐसे करोगे, सॉरी शिफ्ट दबा के राइट ऑर्डर करोगे, फिर नीचे तक जाओगे, तो आप 100,000 डेटा तक तो नहीं कर सकते अरे। तो इसका सबसे बढ़िया ऑप्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट, ये क्या हुआ, फिर से करते हैं, यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब इसके मतलब काफ़ी ऑप्शन है वैसे तो, दो शॉर्टकट आपको सिंपल से बताता हूँ। पहले तो क्या करना है आपको, स्टार्टिंग के पॉइंट पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको कंट्रोल, ठीक है, शिफ्ट, उसके बाद डाउन एरो करनी है, कंट्रोल शिफ्ट, उसके बाद राइट एरो करनी है। जैसे ही आप राइट एरो करोगे तो एंड तक आ जाएगा, सेम कंट्रोल शिफ्ट, फिर आप डाउन एरो कर दोगे तो नीचे तक पूरा पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप इसको F4 कर सकते हो, यानी कि फिक्स कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन जो कि मेरा फेवरेट है वो मैं आपको बताता हूँ, अगेन ऊपर गए आप, सिंपल से क्या करना है आपको, कंट्रोल, जैसे कि मैंने आपको रो का पूरी रो सेलेक्ट करने का और पूरी कॉलम सेलेक्ट करने का ऑप्शन बताया था ना अभी, तो वही आपको करना है। तो कंट्रोल, अब हमें क्या करना है, पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल और ये स्पेस दबा देंगे, पूरा का पूरा ये सेलेक्ट हो गया। फिर शिफ्ट, सिंपल सा शिफ्ट दबाएंगे और इसका राइट एरो करेंगे। थोड़ा सा स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन आपको लगेगा, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आदत पड़ जाएगी। तो जैसे कि फिर मैं आपको कहता हूँ, कंट्रोल स्पेस, आप पूरा पूरा सॉरी कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, फिर शिफ्ट दबा के राइट एरो करेंगे आप, ठीक है। तो ये हो गया, अब ये ऐसे आ गया है ए और ई, सिंपल सा इसको फिक्स कर देना है,
फिक्स ये है, एक मिनट, हाँ ये फिक्स हो गया। ठीक है, अब कोमा लग देना है। अब कॉलम इंडेक्स नंबर, सबसे पहले इसके अंदर हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए करेंसी। करेंसी इसमें कितने कॉलम नंबर पर है, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा कॉलम नंबर पर है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा ये गलती से आ गया है, इसको हटाओ, तीन नंबर करेंगे कॉमा जीरो। ये आ गया हमारा, यानी कि हमारा पाउंड करेंसी होता है। इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो हमारी पाउंड की करेंसी आ गई है। अब एक बार में हम कॉपी पेस्ट करके नीचे तक निकालेंगे, हम इसमें जो है डबल वी लुकअप लगाएंगे। तो इसको हम सिंपल से क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे। और फिर जैसे कि मैंने आपको डबल वी लुकअप में बताया था, इसके सिंपल से हम कॉलम नंबर जो है वो चेंज कर देंगे। सॉरी, ये क्या है, एमआरपी कितने कॉलम नंबर पर है, ये एमआरपी हमारा दूसरा तीसरा चौथा कॉलम नंबर पर, स्टॉक है पाँचवें कॉलम नंबर पर। तो एमआरपी को हम करेंगे चौथा कॉलम नंबर, हाँ सही है, सही है, सॉरी सही है, चौथा, और ये हमारा पाँचवा कॉलम नंबर, यानी कि 15 रुपये का इसका एमआरपी है और 24 इसका स्टॉक है, पाउंड की इसकी करेंसी है। एक बार सर्च कर लेते हैं कंट्रोल सी करके, अगली शीट पर आ जाते हैं और इसको जो है कंट्रोल ए कर लेंगे तो पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल एफ करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे, यानी कि डेटा आ गया, इसको सर्च करेंगे। ये देखिए टाइटल का नाम वही है, प्रोजेक्ट रशिया बिगनिंग 44 पेपर बैक PB2007, पाउंड की करेंसी है 15, इसका जो है एमआरपी है 15, मतलब 15 पाउंड की है, उसके बाद 24 स्टॉक है। ठीक है, तो बस अब सिंपल से क्या करना है, इसको करना है कॉपी, देन इसको नीचे तक ले जाने के लिए हमने आपको बताया था कंट्रोल डाउन एरो, उसके बाद शिफ्ट दबा के राइट राइट, यानी कि तीन कॉलम वहाँ पर, कंट्रोल शिफ्ट अप, कंट्रोल करना है, शिफ्ट करना है और अप एरो को ओ मतलब जो है अप एरो को जो है क्लिक करना है, फिर कंट्रोल वी कर देना है। तो पूरा फॉर्मूला लगेगा, हल्का सा थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि बड़ा डेटा है कंप्लीट होने में। तो गाइस फाइनली अपना कंप्लीट हो गया फॉर्मूला, ये देख सकते हैं आप, सब पे फॉर्मूला लग चुका है। मैनुअली एक आधा सर्च कर लेते हैं, सपोज अपना पर्पल फैशन कॉपी करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आएंगे, पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल ए से पूरा सेलेक्ट होता है, कंट्रोल एफ फाइंड करने के लिए, कंट्रोल बी वो वाला ISBN नंबर हम डाल देंगे, यानी कि यूनिक जो अपना है नंबर, ये आ गया अपना पर्पल, चेक कर सकते हैं पर्पल फैशन। उसके बाद 45 इसका जो है, सॉरी ये अपना डॉलर का साइन है, मतलब USD डॉलर में 45 डॉलर की है, स्टॉक हमारे पास 3 है, देख लेते हैं, और ये रहा डॉलर 45 डॉलर और स्टॉक है 3। ठीक है ना, अब सपोज़ कभी कभार बंदे कहते हैं कि फॉर्मूला तो हमने लगा लिया, अब इसको हटाएं कैसे, तो हटाने का सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, इसको शिफ्ट दबाना है अगेन राइट राइट, यानी कि तीन बार अगर हम राइट करेंगे, ये राइट राइट ये हो गया सिलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट नीचे तक डाउन हो जाएगा, पूरा का पूरा सब कुछ कॉपी कर लेंगे। फिर शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, ऑल्ट आपको दबाना है, ऑल्ट नंबर, ई नंबर और एस नंबर, जैसे ही आप ये दबाएंगे ऑल्ट ई एस, तो ये पॉपअप आ जाएगा आपके सामने, पेस्ट स्पेशल का पॉपअप बोलते हैं। इसमें आपको क्या करना है, सिंपल सा वैल्यू पे क्लिक कर देना है, जिससे कि आपका पूरा पूरा फॉर्मूला हट जाएगा। आप देख सकते हैं पूरा पूरा हमारा फॉर्मूला हट चुका है। ठीक है ना, तो दोस्तों फाइनली इसी के साथ हमारी ये ट्यूटोरियल ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना अगर आपको कुछ मतलब इसमें प्रॉब्लम हो रही हो, या फिर कुछ एडिशन आप इसके अंदर ऐड करना चाहते हो, या कुछ सजेशन हो तो आप उसके लिए कमेंट करना। वीडियो कप के अलावा एक्सेल में कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या कमेंट में मैसेज कर दीजिए तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। इंस्टाग्राम में मेरा विशु ब्लॉग के नाम से, विशु अंडरस्कोर ब्लॉग, विशु ब्लॉग के नाम से भी आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा। यूट्यूब का चैनल है मेरा विशु ब्लॉग। प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को सब लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को, ताकि इस टाइप की कोई भी वीडियो हो वो आपको पहले से पहले मिल जाए, जिससे आपको एक्सेल में आपको काफ़ी हेल्प मिल सके। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों हम अपने ब्लॉग को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।